क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो चैप्टर 5 है इसका नाम, ठीक है, जो पार्टनरशिप से लिया गया है। तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 टीएस ग्रेवाल, देखो जी ये वाली बुक से करेंगे हम, देखो 2018 का एडिशन है, इस वाली बुक से हम करेंगे। तो पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 53। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, इस तरह से बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, ठीक है। तो ये बातें कह रहा है जब बी रिटायर होगा तो उसमें 1 अप्रैल 2018 को, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय 1000, ठीक है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000 एंड फर्नीचर बाय 5%, ठीक है। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, अच्छा जी। क्रिएटर्स वर रन बैक बाय 6,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 22,000, ठीक है जी। फिर कह रहा है जी बी इज पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश, जो कैश बचे रहेगा उनके हाथ में 10,000 रुपए रहेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या क्या बनाना है, कह रहा है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी बनाना, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि रिवैल्यूएशन आपको पता ही होगा रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी, ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रेज्ड बाय 1000, जो पहले 3,000 रुपए के थे अब हो जाएंगे 4,000 रुपए के, तो बाय सॉरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी, 1,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, देखते हैं जी स्टॉक कितने का है, स्टॉक है इसमें 18,000 का, तो 18,000 का 5% सॉरी 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्टॉक डेप्रिशिएट करेंगे कितने से 10% से, तो 1800 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कह रहा है फर्नीचर करेंगे कम से 5% से, तो फर्नीचर कितने का हमारा 30,000 रुपए, टू फर्नीचर हो जाएगा हमारा 5% से कम, तो इसमें फर्नीचर कितने का दे रखा है, इसमें फर्नीचर है जी हमारा 30,000, तो 30,000 का 5% 1500 रुपए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है इधर आ जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम कितने रुपए की 1100 रुपए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000, क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे बाय कितने रुपए से 6,000 रुपए से। अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है, इधर की साइड जब इधर की साइड ज्यादा आ रही है और इधर की साइड कम आ रही, तो क्या निकल गया हमारा लॉस, चेक कर लेते लॉस आ रहा कि नहीं आ रहा, 0, 0, 8 और 5, 13 और 1, 14 कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये 6,000, तो हमारा आ रहा है इसमें प्रॉफिट 600 का। देखो जी बुक में दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखो जी दे रखा है।